हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पागलपंती के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में, जिस वजह से हमें ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बाजमी ने, जिन्होंने इसके पहले बॉलीवुड में काफी सारी कॉमेडी फिल्में बनाई है। इनफैक्ट उनकी ज्यादातर तो फिल्में कॉमेडी ही रहती है, लेकिन कभी कभी वो फिल्में काफी ज्यादा अच्छी बनाते हैं तो कभी काफी ज्यादा बेकार। जिनमें अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो अनीस बाजमी ने अपने करियर में जो अच्छी फिल्में बनाई है उनके नाम है रेडी, वेलकम, सिंग इज किंग और नो एंट्री। और इस बीच उन्होंने अपने करियर में कुछ बेकार कॉमेडी फिल्में भी बनाई है, जिन फिल्मों के ट्रेलर ही देखकर हमें ये बात पता चल गई थी कि फिल्म के ट्रेलर में जितना ज्यादा दम है फिल्म उतनी ज्यादा दमदार नहीं होगी। और ये फिल्में थी थैंक यू, नो प्रॉब्लम और वेलकम बैक। लेकिन 2017 में अनीस बाजमी ने फिल्म बनाई थी मुबारका, जिस फिल्म का ट्रेलर इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बट फिल्म एक अच्छी एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म थी। और अब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है पागलपंती। और सच में इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं फिल्म देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। इनफैक्ट जिस तरीके की एक्टिंग सभी के सभी एक्टर्स इस फिल्म में कर रहे हैं, उन सभी की एक्टिंग हमने ट्रेलर में देखी, जिसे देखकर मैं एक ही बात कहूंगा कि सभी की एक्टिंग फिल्म में एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रही है। खास करके इब्राहिम, जिन पर कॉमेडी जरा भी सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके की फिल्में दी जाती है, क्योंकि अक्षय कुमार फिलहाल तो अनीस बाजमी की फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं और ले देकर जॉन इब्राहिम जैसे ही एक्टर बचे हैं अनीस बाजमी के पास। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, शायद ये फिल्म भी मुबारका जैसी हो सकती है, जिसके ट्रेलर में तो दम नहीं बल्कि फिल्म में दम होगा। लेकिन जब फिल्म का पहला इम्प्रेशन ही लोगों के सामने काफी बुरा निकल कर आए तो फिल्मों के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और ऊपर से ये फिल्म हमें पागलपंती कम और वेलकम की सीरीज का थर्ड पार्ट ज्यादा लग रही है। इनफैक्ट अगर इस फिल्म में से सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर को निकालकर वहाँ पर नाना पाटेकर को ऐड कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये फिल्म वेलकम 3 हो जाएगी। खैर, तो अब ट्रेलर में दिखाए गए फालतू से जोक्स और बेकार ओवर एक्टिंग देखकर आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर में देखकर बताने जैसा कुछ खास है नहीं, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा करके कोई मतलब तो बनता है नहीं। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।